प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। यहां वो नाथद्वारा मंदिर में इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआती पूजा पाठ के साथ हुई है, इसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? अर्पिता, पिछली बार भी आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गुजर समुदाय कह रहा थे देवनारायण भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किए थे और उसके बाद अपनी सभा को संबोधित किए थे, विकास योजनाओं के सौगात दिए थे। यही कार्यक्रम आज है। यहाँ करीब 3-4 हाईवेज हैं, उसको लोकार्पण करेंगे, रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ से वो आगे रोड पर भी होगी कि क्या अशोक गहलोत रहेंगे साथ। पिछली बार अशोक गहलोत ने कहा था कि जिस तरीके के बयान दिए थे वो काफी चर्चा में रहे थे, इस बार क्या साझा मंच करेंगे वो प्रधानमंत्री के साथ? हाँ, विकास योजनाओं को जो लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है, सरकारी कार्यक्रम में रहेंगे। वो जो रैली है, पार्टी की सभा है, उसमें वो नहीं रहेंगे। हालांकि उनके तरफ से जारी किया गया है जनसभा को संबोधित करेंगे राजसमंद में। ये जो त्रिनाथ जी के मंदिर में जहाँ वो माथा टेक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वहाँ का एक नाथद्वारा का है कि एक आराध्य भगवान भी है और इसके जो अनुयायी है दक्षिण भारत में जहाँ पर आज चुनाव हो रहा है कर्नाटक में, वहाँ भी आपको बहुत मिलते हैं। त्रिनाथ जी के दर्शन करने का मतलब है कि आप यमुना का भी दर्शन करिए और वल्लभाचार्य का भी दर्शन कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ राजस्थान चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में आज कर्नाटक चुनाव भी होगा, जिसको देखते हुए यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चना की है। और पूजा अर्चना का जो एक दृश्य है जहाँ देखे हो कि उन्होंने अपने जेब से नोट निकाले हैं और दान पेटी में भी डाले हैं। मंदिर के जितने मंदिर में देवी देवता हैं हर जगह घूम घूम कर माथा टेके हैं, तो वो एक जो अंदर लोगों की आस्था होती है उस आस्था को भी उन्होंने अपना प्रकटीकरण किया इस दौरे में। उसके बाद ये जाएंगे राजसमंद में सभा को संबोधित करने के बाद आबू रोड, और आबू रोड पे सभा होनी है। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब गुजरात चुनाव में वो आए थे, यहाँ पर हेलीपैड बना था और हजारों की संख्या में लोग आए थे, मगर रात को 10 बज गया था और वो लाउड स्पीकर नहीं प्रभाषण दे पाए थे। तो वादा करके गए थे कि मैं अगली बार आऊंगा, उस वादे को निभाने के लिए आ रहे हैं। मगर एक तरह से माना जा रहा है कि ये चुनावी शंखनाद है राजस्थान का, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही है, 27 जिलों को आज कवर कर रहे हैं आदिवासी इलाके से लेकर। और ये आप देखिए राजसमंद तक, राजसमंद में ब्राह्मण बहुल सीट है, मगर जो मंदिर है वहाँ पर गुर्जर समुदाय के लोग पूजा करते हैं। तो पिछली बार भी आए थे उदय नारायण के मंदिर में तो गुर्जर समुदाय को साधा था, कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो वोट बैंक है उस पर भी उनकी नजर है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा में शामिल होते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबकी नजरें होंगी कि क्या इस बार भी कोई तंजों के बाण चलेंगे, व्यंग बाण चलेंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। वोट बैंक के लिहाज से, जाति समीकरण के लिहाज से, जो जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं आज दौरे के लिए, रैली के लिए, वो कितने महत्वपूर्ण है शरद? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। आप नाथद्वारा में आते हैं तो नाथद्वारा के से आप भिलवाड़ा को कवर करते हैं, चित्तौड़ को कवर करते हैं और फिर उदयपुर को कवर करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो इलाका है उसमें वहां पर 21 में से 19 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी, बीजेपी का ये स्ट्रांग होल्ड रहा है। वहाँ पर ये आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुख्ता करने के लिए अपने वोट बैंक को। और दूसरी जो आखिरी सभा है आदिवासी इलाके में है, ट्राइबल बेल्ट है सिरोही का, वहाँ पर जो आसपास के ट्राइबल हैं उनकी सभा हो रही है। तो ट्राइबल को लेकर ये तीसरी सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पूरा फोकस कर रहे हैं उस आदिवासी वोट बैंक का जो उन्हें लगता है कि अब तक नेग्लेक्ट रहा है, बीजेपी को इसे जोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा किस तरह से जब गुजरात चुनाव हो रहा था तब राजस्थान में आए और आदिवासियों के जो आराध्य देव हैं वहां पर उन्होंने सभा की मांडल गढ़ धाम में, और उसके बाद अब यहाँ आ रहे हैं। तो एक के बाद एक जो आदिवासी इलाके को साधने की कोशिश है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में राजस्थान चुनाव है, क्योंकि एसटी समुदाय की संख्या यहाँ पर
अच्छी खासी तादाद में है और उस इलाके में कम से कम 22 से 24 सीटों पर आदिवासी समुदाय के लोग अपना प्रभाव रखते हैं, जो जिताने हराने में सक्षम है। बीजेपी का जो पूर्व वोट बैंक रहा है उस इलाके में वो नॉन ट्राइबल रहा है अब तक। अगर नॉन ट्राइबल वोट बैंक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राइबल वोट बैंक को जोड़ पाते हैं तो ये इनकी कोशिश है कि फिर वो फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाएगा। मगर इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि आज जो नाथद्वारा मंदिर में आए सुबह पूजा अर्चना की है तो इसकी गूंज कहीं कर्नाटक चुनाव में भी दिखाई देगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि साउथ इंडिया से बड़ी संख्या में नाथद्वारा मंदिर में लोग आते हैं, उनकी नजर कहीं ना कहीं होगी। अंबानी परिवार को आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले नाथद्वारा मंदिर ही आते हैं। तो एक तरह से ये जो ब्रह्मा कुमारीज हो या फिर नाथद्वारा मंदिर हो, मंदिरों के बहाने, अपने दोनों सभाओं के बहाने, विकास काम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। और माना जा रहा है कि औपचारिक रूप से चूंकि कर्नाटक चुनाव खत्म हो गया है तो अब औपचारिक रूप से राजस्थान चुनाव का एक ऐलान है। प्रधानमंत्री ने रणभेरी बजा दी है और आज अशोक गहलोत भी राजसमंद में ही रहेंगे, 1:30 बजे तक रहेंगे, वो अपने महंगाई राहत कैंप में भी जाएंगे। नजर बनाए रखिए।